नमस्ते बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब साझेदारी फर्म का समापन। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, एक तो साझेदारी का समापन होता है, एक साझेदारी फर्म का समापन होता है। साझेदारी का समापन का मतलब होता है जब साझेदारों के मध्य जो आपसी समझौता है जब उसका समापन हो जाता है। वो कब कब हो सकता है? अगर उन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करी थी वो बदल ली उन्होंने, तो उनके मध्य जो साझेदारी थी, पार्टनरशिप थी, वो चेंज हो गई और एक नई पार्टनरशिप बनेगी। अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाता है, कोई नया पार्टनर आ जाता है, तो पुराने पार्टनर्स के बीच में जो साझेदारी है वो ख़त्म हो जाती है। रिटायरमेंट के केस में अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर चला जाता है तो वो साझेदारी ख़त्म हो जाती है, बाकी बचे हुए पार्टनर्स के बीच में वो साझेदारी चलती रहती है। और अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, कहने का मतलब क्या है, अब तक हमने जितने चैप्टर्स करे हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये सब जो है ये साझेदारी के समापन का इंडिकेशन है, एंड ऑफ द पार्टनरशिप। लेकिन साझेदारी फर्म का समापन है, इसका मतलब होता है जब साझेदारों के मध्य आपसी समझौता भी खत्म हो गया और व्यवसाय भी बंद हो गया। तो देखते हैं इसकी क्या परिभाषा होती है। साझेदारी फर्म के समापन या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, सभी साझेदारों के मध्य समझौते के समापन को साझेदारी फर्म का समापन कहा जाता है। जब सभी साझेदारों के बीच का जो अग्रीमेंट है, जो समझौता है, वो खत्म हो जाता है, तो इसको साझेदारी फर्म का समापन कहा जाता है। अब इसके क्या मतलब है, साझेदारी फर्म के समापन के दो मतलब हैं, इसके दो अर्थ हैं। क्या अर्थ है? पहला तो ये कि व्यवसाय का समापन हो जाता है, बिजनेस खत्म हो जाता है, और दूसरा ये कि साझेदारों के बीच में जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो भी समाप्त हो जाता है। तो साझेदारी फर्म के समापन का मतलब दो, व्यवसाय का समापन प्लस साझेदारी का समापन, दोनों ही चीजों का समापन हो जाता है। बिजनेस भी खत्म हो जाता है और पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है, यानी कि पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है और पार्टनरशिप फर्म भी समाप्त हो जाती है। इसे नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। साझेदारी फर्म का जो समापन होता है, जो व्यवसाय का समापन होता है, वो किन किन तरीकों से, किन किन तरीकों से उस समापन किया जा सकता है, किन किन विधियों से वो समापन किया जा सकता है, थ्योरी का टॉपिक है ये। ये समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब हम डिसोल्यूशन वाले चैप्टर के सवाल करेंगे, उससे पहले हमारे पास बेस होना चाहिए कि आखिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है और कब ये सिचुएशन अराइज होती है, कब बिजनेस को बंद करने के बारे में सोचता है कोई पार्टनर या पार्टनर्स। पहला है म्यूचुअल अग्रीमेंट, म्यूचुअल अग्रीमेंट या आपसी समझौते से। जब साझेदार आपसी समझौते से डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, अब हमें बहुत दिन हो गए पार्टनर बने हुए, अब हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना चाहिए, तो साझेदारी फर्म का समापन हो सकता है, बिजनेस भी बंद हो जाता है और पार्टनरशिप भी समाप्त हो जाती है। नंबर टू, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अनिवार्य समापन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब जब हमें करना ही पड़ता है, व्यवसाय को बंद करना ही पड़ता, कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके वजह से पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ जाता है, वो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन, जब सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं। दिवालिया मतलब उनको अपनी दायित्वों का भुगतान करने के लिए उनके पास पैसा ना बचे, या फिर किसी एक को छोड़ के बाकी सारे साझेदार दिवालिया हो जाएं, तो सारे दिवालिया हो जाएं, या फिर एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे दिवालिया हो जाएं, इंसॉल्वेंट हो जाएं, हमने वर्ड सुना है। और दूसरा रीजन, जब व्यवसाय जो है अनलॉफुल या गैर कानूनी हो जाए। देखो, व्यवसाय अनलॉफुल या गैर कानूनी कैसे हो जाएगा, या फिर जिस व्यक्ति के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ बिजनेस करना इलीगल हो जाए, गैर कानूनी हो जाए। किसी व्यक्ति के साथ में बिजनेस करना इलीगल या गैर कानूनी कब हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, हम पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के साथ हमने पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया है और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध छिड़ जाता है, तो अगर जिस देश के किसी व्यक्ति के साथ में हमने अग्रीमेंट किया है, अगर उस देश के साथ में हमारा युद्ध छिड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के साथ में व्यवसाय करना गैर कानूनी हो जाता है और ऐसे में कंपल्सरी डिसोल्यूशन हमें करना पड़ता है। तो दो तरीके पड़े अभी हमने, आपसी समझौते से या फिर कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अनिवार्य समाप्ति से। इसे नोट कर लीजिए, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा है बाय नोटिस या नोटिस के माध्यम से।
नोटिस के माध्यम से का मतलब क्या है, ये ऐच्छिक साझेदारी में ऐसा होता है कि अगर कोई भी साझेदार, उसको लगता है कि अब वो ज्यादा बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इन साझेदारों के साथ आगे नहीं रहना चाहते, तो वो चाहे तो बाकी सभी साझेदारों को नोटिस भेज सकता है और उस पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के बारे में या व्यवसाय के समापन के बारे में अपनी इच्छा को जाहिर कर सकता है। तो कोई भी साझेदार साझेदारी फर्म को बिजनेस बंद करने का नोटिस दे सकता है और नोटिस के माध्यम से ये डिसाइड किया जा सकता है। चौथा तरीका हो सकता है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के घटित होने पर, कोई घटना हो गई, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से साझेदारी फर्म को बंद करने की जरूरत पड़ती है। क्या क्या हो सकती हैं वो घटनाएं, जिस उद्देश्य के लिए हमने साझेदारी बनाई थी वो समाप्त हो गई तो साझेदारी फर्म का समापन हो जाएगा, जितने समय के लिए हमने साझेदारी बनाई थी वो समाप्त हो गई तो समय की समाप्ति पर साझेदारी फर्म का समापन हो जाएगा, कोई एक या एक से ज्यादा साझेदारों की मृत्यु होने के कारण हमें उसको साझेदारी फर्म को बंद करना पड़ रहा है, और साझेदार सभी साझेदारों के दिवालिया होने पर या फिर एक को छोड़कर बाकी सभी साझेदारों के दिवालिया होने के कारण हमें साझेदारी फर्म को बंद करना पड़ रहा है। तो ये कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी घटना घटित हो सकती है जिसकी वजह से साझेदारी फर्म के समापन की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, आपसी समझौते से, कंपल्सरी, नोटिस के माध्यम से या किसी घटना के घटित होने के कारण। पांचवा देखते हैं, पांचवा पॉइंट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के आदेश के कहने पर या कोर्ट के आदेश पर जब हम व्यवसायिक संगठन का, पार्टनरशिप फर्म का समापन करते हैं। देखो बच्चों, कोर्ट कब कब आदेश देगा, पहला अगर कोई साझेदार अपना दिमागी संतुलन खो दे, हम उसको बोलते हैं यदि कोई साझेदार पागल हो जाए या वो अपना दिमागी संतुलन खो दे, उसमें स्थिति में भी कोर्ट कहेगा कि इस साझेदारी फर्म को बंद कर देना चाहिए। दूसरा, कोई साझेदार परमानेंटली काम करने के योग्य नहीं रहा, उसका कारण ये हो सकता है कि उसको कोई चोट लग गई है, वो बीमार हो गया है, या फिर जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि अगर वो साझेदार जो है वो किसी दूसरे देश का साझेदार, दूसरे देश का व्यक्ति है और उस देश से हमारे युद्ध वाले संबंध हो गए हैं, तो ऐसे में भी हम उसके साथ में आगे व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। तीसरा, कोई साझेदार बार बार गलत व्यवहार के लिए दोषी पाया जा रहा है, अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में, तब भी कोर्ट जो है साझेदारी फर्म को बंद करने का आदेश दे सकता है। चौथा, कोई साझेदार बार बार साझेदारी संलेख में जो बातें लिखी हुई हैं, साझेदारी संलेख में जो समझौता किया गया है, वो बार बार अगर उसका उल्लंघन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में भी कोर्ट आदेश दे सकता है साझेदारी फर्म को बंद करने का। और अगर कोर्ट को किसी भी कारणवश कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये समापन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसी स्थिति में भी वो साझेदारी फर्म का समापन कर सकता है। और लास्ट पॉइंट, अगर व्यवसाय लगातार लॉस में जाता जा रहा है, उसकी प्रॉफिट होने की कोई संभावना ही नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में भी साझेदारी फर्म को बंद किया जा सकता है। तो ये 5 तरीके हैं, ये 5 माध्यम हैं जिनके माध्यम से साझेदारी फर्म को, व्यवसाय को बंद किया जा सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, इसको नोट कर लीजिए और एक बार फिर से समराइज करते हैं चीजों को, वीडियो को पॉज करके पहले से नोट कर लीजिए। हाँ जी, लास्ट में एक समरी देखते हैं कैसे कैसे डिसोल्यूशन हो सकता है। म्यूचुअल, आपसी सहमति से, अपनी मर्जी से। कंपल्सरी, कब होगा कंपल्सरी, या तो कोई साझेदार दिवालिया हो गया या एक को छोड़कर सारे साझेदार दिवालिया हो गए, उनके साथ व्यवसाय करना गैर कानूनी हो गया। तीसरा, नोटिस देके, किसी भी साझेदार ने साझेदारी फर्म को अगर नोटिस दे दिया है तो भी उसको बंद करना पड़ेगा किसी घटना के घटित होने पर। वो घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं, काम खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, मृत्यु हो गई या दिवालिया हो गया। और लास्ट है, कोर्ट आदेश दे सकता है, कब दे सकता है, जब अगर कोर्ट को लगे बहुत जरूरी है, व्यवसाय लगातार लॉसेज में जा रहा है, कोई पार्टनर बार बार उल्लंघन कर रहा है साझेदारी संलेख का, वो गलत काम करने का दोषी पाया जा रहा है या फिर वो पागल हो गया है, तो इनमें से किसी भी स्थिति में साझेदारी फर्म को, व्यवसाय को बंद करने के आदेश हो सकते हैं, व्यवसाय बंद हो सकता है। इसे नोट कर लीजिए, ये थ्योरी बेस है हमारे फर्स्ट इस चैप्टर का, नए चैप्टर का, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।